तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकोमैटिक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने GTA Vice City एंड्रॉयड में अपने चीट्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड को इस्तेमाल करके। पहले जो मैंने आपको GTA Vice City का वर्जन दिया था उसमें आप इस तरह चीट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाना मत भूलें। ये ट्रिक आपके किसी भी GTA Vice City एंड्रॉयड के वर्जन में वर्क करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है हैकर्स कीबोर्ड। तो ये 2 MB की एप्लीकेशन है, तो अभी इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, तो आपको इसको सिंपली ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इनेबल कीबोर्ड। तो यहाँ से आपको इसको हैकर्स कीबोर्ड पे करके डन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेट इनपुट मेथड, इसमें भी आपको हैकर्स कीबोर्ड को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको तकरीबन नीचे एक एक ऑप्शन नज़र आएगा यूज़ परमानेंट नोटिफिकेशन, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पे चेक मार्क मैंने लगा दिए। यहाँ पे आपको ऊपर नोटिफिकेशन बार में आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं अपने इसमें सिंपली अपनी GTA Vice City गेम को ओपन कर लूँगी। जब भी आपको कोड लगाना तो आपको इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, कीबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोड लगाता हूँ बिग बैंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोड लगाया तो ये अप्लाई हो गया। इसी तरह आप वो काफ़ी सारे की जितने भी GTA Vice City के चीट्स हैं आप सब अप्लाई कर सकते हैं अपने इस कीबोर्ड से। इसी तरह आप इसी वाला कोई भी चीट या कोड अपने इस GTA Vice City एंड्रॉयड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो या जो दो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं उससे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।